फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज शिहाब भाई को अपने घर से निकले हुए पूरे 57 दिन हो चुके हैं। वो पैदल हज का इरादा कर केरला से मक्का मुकर्रमा के लिए निकले हैं। और दोस्तों मक्का मुकर्रमा तक पहुंचने के लिए उन्हें तकरीबन 9000 किलोमीटर का फासला पैदल ही पार करना है। और इनके सफर के दौरान जो भी शहर रास्ते में आता है वहां पर हजारों की तादाद में लोग इनका वेलकम करने के लिए पहुंच जाते हैं। दोस्तों हर शहर में इनका पुरखलूस इस्तकबाल किया जा रहा है और इज्जत व आफियत से इन्हें नवाजा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर शिहाब भाई ना तो कोई सेलिब्रिटी है, ना ही कोई अमीर आदमी और ना ही किसी पार्टी के मेंबर। दोस्तों ये इज्जत इन्हें इसलिए दी जा रही है क्योंकि ये 9000 किलोमीटर का फासला पैदल तय कर अल्लाह के घर जा रहे हैं। दोस्तों शिहाब भाई को घर से निकले हुए पूरे 57 दिन हो चुके हैं और अब ये राजस्थान तक पहुंच चुके हैं। और दोस्तों अब कुछ ही दिनों बाद वो हिंदुस्तान की बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में पहुंच जाएंगे। वैसे दोस्तों हिंदुस्तान की तरह पाकिस्तान में भी इनके इस्तकबाल की तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। दोस्तों शिहाब भाई पाकिस्तान से होते हुए ईरान, इराक और फिर सऊदी अरब पहुंच जाएंगे। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि शिहाब भाई का ये टोटल सफर पूरे एक साल पर मुनहसिर होगा। दोस्तों बस शिहाब भाई के लिए यही दुआ है कि ये खैरियत से अपनी मंजिल पर पहुंच जाए और इनके रास्ते में आने वाली सारी मुश्किलात दूर हो जाए। दोस्तों इसी के साथ साथ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलो ये मिलते हैं अगली वीडियो में।